नेहा देखा क्या? हमारा एक गाना आपने गाया, डायरेक्ट सोनू निगम के साथ खड़ी हो गई। लेकिन सोनू, तुमने ऐसा कौन सा गाना गाया कि नेहा के साथ डायरेक्ट खड़े रहना पड़े यहाँ पे? एनीवेज़ मेरा अवार्ड तो मुझे जाना है, आई एम गेटिंग लेट यार। भाई साहब ये म्यूजिक अवार्ड है। तो सर मैं म्यूजिक अवार्ड का ही अवार्ड मांग रहा हूँ। मैंने भी तो गाना गाया है अभी सुल्तान में, वो कौन सा जग घूमे वो तो राहत जी ने गाया है। नहीं, राहत जी ने सुल्तान फिल्म के अंदर गाया, ये मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है सर। क्यों, राहत ने ठीक से नहीं गाया तो जो आपको दोबारा गाना पड़ा? राहत ने ठीक से नहीं गाया मतलब किसी ने भी ठीक से नहीं गाया, कितने लोगों को मौका दिया था मैंने। कौन कौन? मैंने सबसे पहले मौका दिया था उन्हें, वो कैलाश खेर। हाँ वही, तो उन्होंने आके सर ऐसा गाया कुछ, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। हमने कहा आपका वहां तक जा नहीं रहे दो। फिर हमने बुलाया, आप शौक रह जाएंगे सारे। कौन? हमने बुलाया रणबीर कपूर को। क्या बोल रहे हो, उन्होंने भी गाना गाया आपके लिए? रणबीर ने आके सर ऐसा गाना गाया यहाँ पे, हाय गाइस रणबीर कपूर, हाय गाइस आई एम गोना रिसाइट अ सॉन्ग, द सॉन्ग नेम इज जग घूमे। जैसी है तू वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे, आई एम किलिंग इट, जैसा ना कोई। ठीक है ठीक है। उस दिन हमें पता चला कि रणबीर के गले से अच्छा अपना गला है। फिर हमने मौका दिया है द नॉइज ऑफ इंडिया को, फरहान को, फरहान को मौका दिया तो उन्होंने इस तरीके से गाया सर, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे। हमने कहा बस बस बस, घूम गया जग, घूम गया। आखिर इतने सारे सिंगर्स को मौका देने के बाद हमने मौका दिया एक नॉन सिंगर को। एक्चुअली आजकल समझ में नहीं आता सिंगर कौन है और नॉन सिंगर कौन है। क्या बात है। तो हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मौका दिया तो उन्होंने इस तरीके से गाया सर, जग घूमया तारा जैसा ना कोई, जग घूमया तारा जैसा ना कोई। हमने कहा यही गाना गाना गाओ। भाई मैं गा ही रहा हूँ। बाबा को बुलाया था हमने, बाबा ना गाना कौन सा है? वन टू थ्री चार, जग घूमे तारे जैसा ना कोई, जग घूमे तारे जैसा, एक्चुअली जग घूमे होता ही है बस। और फिर सोनू जी ने भी लास्ट में आपने कहा, सोनू जी भी अगर गाते, अगर आपकी इजाजत कर दो, मेरे तो आप मशहूर हो मेरे करने के लिए। सोनू जी ने कुछ ऐसे गाया था, गाया था, जग घूमे हरे जैसा ना कोई। सबको सबको मौका दिया सर। फिर आपने खुद गाया? किसी ने भी ठीक नहीं की, जो कोई नहीं करता हूं मैं कर लेता हूँ, मतलब मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तो मैंने गाया, जग घूमे तारे जैसा ना कोई, जग घूमे तारे जैसा ना कोई, मैंने भी तो चोरी 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 चोर, अलग गाना है कि सेम नया गाना बन गया। अरे ये कैसा लगा आपका गाना? इसमें एक्चुअली सुर ताल और ऑटो ट्यूनर मिसिंग था। कोई परफेक्ट नहीं होता सर, कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कोई ना कोई कमी होती है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो अच्छा मैं हूं सर। मैं एक बात बता दूं, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, मैं दिल में आता हूं लेकिन समझ में नहीं आता नया।
आज ये बात मैं आपसे पूछ के रहूंगा, क्या आप समझ में क्यों नहीं आते? वैसे तो गुलजार साहब भी समझ में नहीं आते, कोई पूछता उनको जाके, मुझे पूछना क्यों नहीं समझ में आते? पर आपने वो जो गाना गाया ना, मैंने बहुत गाने गाए, कौन सा मैं हूँ हीरो, वो गाना बहुत अच्छा है। आपने मेरे दिल लेकिन के वो आपका ही बहुत अच्छा गाना है, पूरी फिल्म में वही एक अच्छा गाना है। आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए मैडम। एक्चुअली उस गाने की मैं पूरी एक स्टोरी है उसके पीछे। सुनाइए। सुना रहा हूँ। मैं बुरा मान जाता हूँ कभी कभी, ऐसे करते रहो। एक्चुअली जो था, मेरा मूड हुआ था कि मैं गाना निकालूं, लेकिन फिर हमने उस गाने के अंदर पिक्चर डाल दी। पिक्चर में गाना नहीं डाला था सर, गाने के अंदर पिक्चर डाल दी। ये भी ठीक है। और उसमें लॉन्च किया हमने सूरज को, और गलती ये हुई हमसे, उसके पिक्चर में जाके हमने गाना गाया कि मैं हूँ हीरो, तो लोगों ने उसको हीरो कंसिडर नहीं किया सर, क्योंकि मैंने कहा कि मैं हूँ हीरो, और फिर सूरज डूब गया सर। अवार्ड दे दो मुझे, चलो निकलता हूँ मैं, बहुत हो गई यहाँ पे। अरे ऐसे कैसे अवार्ड देते हैं आपको, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे, इतनी बड़ी हस्तियाँ बैठे, वो नॉमिनेटेड है, कैसे म्यूजिक अवार्ड्स हैं ये? जैकेट निकाल दूँ क्या मैं? नहीं, फैमिली शो है, आप नहीं उतार सकते। ये जो अवार्ड्स मिलते हैं सिंगर्स को, किसकी वजह से मिलते हैं सर? हमारी वजह से मिलते हैं सर, मेरे डांस की स्टेप्स की वजह से मिलते हैं सर। सर इनके गाने, अगर ढिंका जी का गाने में अगर मैंने ढिंका जी का नहीं किया होता तो गाना हिट होता, बताइए सर। टेल मी। और असली बात मैं बताऊँ आपको, पहले ये स्टेप डिसाइड हुआ था, उसके ऊपर गाना फिट हुआ है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि जैसा डांस आप करते हैं गाने पे स्टेप तो फिट होते ही नहीं है, स्टेप पे ही गाने फिट होते होंगे। लेकिन ये स्टेप तो कोई भी मीटर पे है ही नहीं। हाँ तो गाना भी तो मीका ने गाया है ना। सिर्फ दो ही सिंगर है जो मीटर में पूरे नहीं आते, एक मीका और एक कैलाश खेर। तो मीटर की बात करो, मीका तो गाने में ऊपर नीचे की सुर और अपनी नाक दोनों एडजस्ट करता है। बहुत मीटर कर रहे हो तुम लोग दोनों, रिक्शा से आए हो क्या? आई लव ट्रैवलिंग बाय रिक्शा। मी टू। और वैसे मीका को कुछ मत बोलो यार, बहुत सीधा सिंगर हो, इतने एक एक लाइन में ऐसे सीधे गाने गाते हैं कि उनके गाने मैं भी गा लेता हूँ। वेल, और सीधे सीधे गाने पे एक्सप्रेशन भी सीधे सीधे चल जाते हैं। बस बंद करो अभी, सारे गाने बजाओ क्या? एक बार बताइए, जैसे आप ना एक्टर्स को, न्यू कमर्स को हमेशा लॉन्च करते हैं, आप सिंगर्स के लिए कुछ भी नहीं करते, यू डोंट लॉन्च देम? अरे सिंगिंग में पहले इन्हें तो ठीक से होने दो। आप ये बताओ कि आपको इस साल का कौन सा गाना सबसे अच्छा लगा? इस साल का मुझे जो गाना पसंद है वो है बेबी को पिज्जा पसंद है। बेबी को बेस पसंद है? नो, बेस वाली दूसरी थी सर, ये दूसरी बदल गई। हाँ, अब बदल गई है। बदल गई? एक्चुअली उसको बेस पसंद था, इसको टॉपिंग पसंद है, पिज्जा। आप कितने लोगों की विशेस पूरी करते हो? मैं बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी करता हूँ, पर आज मेरी एक विश पूरी करेंगे आप? नो, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। नो, बार बार शर्ट उतारने की बात है। नो, अरे नहीं उतारना है शर्ट, मैं समझ गया। नो, सुनिए ना प्लीज। नेहा, अच्छा प्लीज सुनिए, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं गाऊंगी और आप डांस करिए। आई थिंक एवरीबॉडी वुड लव टू वॉच यू डांस। ना वो आँखें रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग खूं मैं आधार जैसा ना कोई, जग खूं मैं आधार जैसा ना कोई, जग खूं मैं आधार जैसा ना कोई, जग खूं मैं आधार जैसा ना कोई। Very भाई, क्या आपने डांस किया? मुझे भी थोड़ा डांस सिखाइए, मुझे आपसे स्टेप सीखना है। हाथ दो पहले। पर मुझे आपके साथ में ये बैक स्टेज सीखना पड़ेगा। चलो आइए भाई। I love you all.